राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की अन्नदाता अधिकार यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल राज ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए विदिशा के एक कांग्रेस नेता की दवाई से सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद होने का आरोप लगाते हुए दवा कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने की मांग की है। गुप्ता जी के नेतृत्व में 75 दिन की यात्रा है। हमने अभी आज आपका 43वां जिला है विदिशा। 75 दिन की यात्रा में हम लोग मध्य प्रदेश के सभी 52 जिले और 300 विकास खंडों में जा रहे हैं। 4 बड़ी मांगों को लेकर ये यात्रा निकाली गई है। पहली हमारी मांग ये है, जो देश के 182 किसान संगठनों ने मिलकर तय की है, उनको मिला के जो फेडरेशन बना है राष्ट्रीय किसान महासंघ, उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार गुप्ता जी। मोदी जी ने 400 बार अपनी सभाओं में कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनते ही किसानों की ये मांग पूरी करूँगा, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जब ये बात उनसे पूछी गई तो मोदी जी ने इस बात से मना कर दिया। विदिशा के संदर्भ में एक बात और मुझे आपको कहनी है। विदिशा में आपके यहाँ एक कंपनी है यूनिकल पेस्टिसाइड नाम की, जो यहाँ के कोई कांग्रेस के नेता चलाते हैं। उस कंपनी में, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि श्यामपुर में हमारी सभा थी, वहाँ से निकलते ही मेरे पास एक फ़ोन आया श्यामपुर के किसान का। उसने कहा कि साहब, हमारी मोरगन नाम की कोई दवाई है जिसकी वजह से सोयाबीन की फसलें चौपट हुई हैं। 300 एकड़ ज़मीन केवल श्यामपुर एरिया में चौपट हुई है। लगभग पूरे सीहोर जिले में 1000 एकड़ की जो फसल चौपट हुई है सोयाबीन की, वो मोरगन नाम की दवाई से हुई। संबंधित मालिक से मेरी बात हुई थी। कौन सी नाम है? यूनिकल पेस्टिसाइड नाम की कंपनी है। उनके मालिक शायद शशांक भार्गव हैं, आपके किसान नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अच्छा, देखिए, कलेक्टर हैं पिथौड़े जी, वहाँ के सीओर के, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि साहब, हम उसको ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश कर रहे हैं। विदिशा आपके कलेक्टर जो है SB सिंह, क्या नाम है, जो भी, उनसे बात हुई, उनने कहा हम ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज तक बाबत तक मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, और किसानों को जो मुआवजा उनकी कंपनी ने दिया वो 2500 से 3000 रुपये प्रति एकड़ दिया है, जबकि सोयाबीन की लागत 10000 रुपये प्रति एकड़ होती है। अगर आपसे गलती होती है तो जुर्माने में आप ज़्यादा पैसा दोगे कि लागत भी नहीं दो, तो ये बेईमानी नहीं चलेगी। हम मांग करते हैं 15000 रुपये प्रति एकड़ तो कंपनी दे, और सरकार इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करे। सर, ये जो कंपनी है, जो आपने जो कंपनी के नाम बताया, वो डबल चिल्पुट है, और उसके कौन कौन सी दवाई बनती है, क्या नुकसान? भाई साहब, ये कीटनाशक कंपनी बनाने वाली दवाई है, यूनिकल पेस्टिसाइड, आपकी विदिशा की है, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इस कंपनी की दवाई बनी थी मोरगन, जो उन्होंने सोयाबीन में डलवाई है। अब उसके बाद फसल चौपट हुई तो जिम्मेदारी बनती है कंपनी की, सरकार ब्लैकलिस्ट करे कंपनी को। आप एक बात बताइए, ये कैसी साठगांठ है? पूरे मध्य प्रदेश की 75 दिन की यात्रा में ये 43वां जिला है विदिशा हमारा। ऐसी साठगांठ मैंने किसी जिले में नहीं देखी कि पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं। एक आदमी जो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, उसके खिलाफ बीजेपी ने पुतला नहीं जलाया, उसके खिलाफ बीजेपी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आपके जिलाध्यक्ष और वो बगल में सिरोंज में रहने वाले जो जिलाध्यक्ष, उनको फ़ोन किया, वो कहते हैं भाई साहब, उनको जानकारी नहीं है। अब आप बताइए, जो बातें हम हमारे मन से कहते हैं गाँव में जाके कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, कोयले की दलाली में सबके हाथ काले हैं, ये बात सच है कि नहीं है भाई? अब एक आदमी जो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ जाए, क्या उसके खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन नहीं करेगी? बीजेपी कांग्रेस के व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उसकी कंपनी को बैन कराने के लिए मांग नहीं कर रही। ये सेटिंग है साफ साफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, बाकी राज्य के काम को नहीं पता, लेकिन विदिशा में पहले भी आ चुका हूँ। ऐसी सेटिंग पक्ष विपक्ष की मैंने पूरे मध्य प्रदेश में नहीं देखी है, जो विदिशा में है। यहाँ पक्ष और विपक्ष मिलकर चलते हैं, मुख्यमंत्री ने सब कांग्रेसियों को खरीद रखा है। आप एक बताइए, उनके पेस्टिसाइड नाम की कंपनी से किसान का नुकसान हो रहा है, और यहाँ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। ना कांग्रेस कुछ कर रही है, ना बीजेपी कुछ कर रही है। ये सेटिंग हमने कहीं नहीं देखी, और इस सेटिंग से काम नहीं चलेगा। आप क्या कदम उठाएंगे अभी इसको लेकर? साहब, हम आपके माध्यम से मांग तो कर रहे हैं, दोनों कलेक्टर को हमने बोल ही दिया है। हम अधिकारी तो है नहीं जो चिट्ठी जारी कर दे, हमने अधिकारियों को बोल दिया है, अब सरकार को बोल दिया है, अब आपके माध्यम से आम जनता से कह रहे हैं कि ये देखिए साहब, ऐसे लोगों को नेता मत बनाइए, ऐसे लोगों को चुनने से क्या फायदा है जो जनता का वोट है। किसान विरोधी कोई भी व्यक्ति, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। जो व्यक्ति किसान विरोधी है, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी पार्टी को टिकट देकर जनता का प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए। जो आदमी जब कुछ नहीं है तो जनता का इतना हमारे किसानों का नुकसान कर रहा है, कल से वो अगर कुछ बन जाता है, न जाने किसानों के साथ क्या करेगा। जी शिवराज जी, किसान खुद किसान है, शिवराज सिंह जी, अब ये आज जो इंसिडेंट हुआ है ना विदिशा का, इससे दर्शाता है कि शिवराज सिंह जी दलाल का काम करते हैं। दलाली चलती है ये विदिशा में आपकी, उन्होंने दलाली करके भी कांग्रेस के आदमी को भी खरीद रखा है, उसकी कंपनी चल रही है, उसको संरक्षण किसका है? उनके खिलाफ चुनाव लड़ा है मुख्यमंत्री, उसकी कंपनी सील कराने में 5 मिनट नहीं लगाता, 5 मिनट नहीं लगते अगर मुख्यमंत्री चाहता कंपनी सील कराने में। मुख्यमंत्री जी का संरक्षण है उनकी कंपनी को, यानी एक दूसरी पार्टी के व्यक्ति को दूसरी पार्टी का आदमी दे रहा है। जो आदमी हमारे खिलाफ चुनाव लड़े उसको हम संरक्षण दे रहे हैं, मतलब हमारा शुद्ध रूप से लिप्त है मुख्यमंत्री जी इस पूरे भ्रष्टाचार में। और ये किसानों की जो फसलें चौपट हो रही हैं, इन सड़ी कंपनियों को 2.5-2.5 लाख 1.5 लाख में रजिस्ट्रेशन दे देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
किसान विरोधी सरकार है, इसीलिए 75 दिन पे अन्नदाता सड़क पे है। ये बात हमको कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि विदिशा की जनता को मालूम चलना चाहिए यह कितना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है।